हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बिहार बीपीएससी का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आप लोग का आखिरी मौका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, इसका जो सही जवाब होगा 1933 ईस्वी में। डायरेक्ट आंसर पर वार होने वाला है। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो देखिए भूदान आंदोलन जो आरंभ किया था वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को आरंभ किया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। देखिए कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, तो ये होगा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में। ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध विरोध में ये युद्ध किया था। आगे जो क्वेश्चन जो आ रहा है, तीसरे आंग्लो-मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। कौन सी संधि की थी, तो देखिए आंग्लो-मैसूर युद्ध का जब बात हो तो इसका मैंने आप लोग को भी ट्रिक उपलब्ध कराया है कि मामाश्री से आप लोग याद रखिएगा कि जो पहला आंग्लो-मैसूर युद्ध है वो मैसूर के संधि से, दूसरा मंगलोर और तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध की समाप्ति की गई थी। तो ये जो हो गया गा ऑप्शन बी, तीसरा जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से तीसरा आंग्लो-मैसूर को समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट के किनारे स्थित है। विजयनगर के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कावेरी, तुंगभद्रा, बाणगंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। देखिए विजयनगर के बारे में पूछे तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। 76वां क्वेश्चन जो है, कपास के पैदावार के लिए किसके लिए अच्छी होती है। देखिए मिट्टी के बारे में पूछा है तो काली कपास, आप लोग याद रखिएगा कि काली कपास, कपास जो है वो काली मिट्टी में ज़्यादा पैदावार होती है। किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है। किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा 180 डिग्री अंश देशांतर और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। लोक संधि के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है, तो ये हो जाएगा विदेशी शासकों का आक्रमण। विदेशी शासकों का आक्रमण को सहायक नहीं माना जाता है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है वो संविधान के अनुच्छेद से आ गया है कि अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245 क्या क्या है, आप लोग को आज याद कर लेना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 124 जो होगा वो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, संघीय न्यायपालिका। और जो 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और 352 जो है आकस्मिक प्रावधान से है, और 245 जो होगा
विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है तो ये हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसके जो सही जवाब होगा, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था। आगे जो क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? कहाँ वर्षा होती है? तो देखिए ये हो जाएगा पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। अगला जो क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परत मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परत मिलता है? तो इसका जो सही जवाब होगा अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए में है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को कोई पहचान होती है और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा सही है? इसके जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति का कई पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न आपको देख कर जाना चाहिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके जो थी वो श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री और विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री हुई, जो जिनका नाम था श्रीमाओ भंडार नायके। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है कि किसने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक? तो देखिए किंस की पुस्तक का क्या नाम था, किंस के पुस्तक के नाम के बारे में पूछा था, तो वो हो जाएगा जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ए मनी। में ये अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किंस ने किया था। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान के कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? दल बदल से कौन संबंधित है? तो देखिए दल बदल से संविधान संशोधन जो है वो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक हिंसा का रूप है, संरचनात्मक हिंसा का रूप होता है, जिसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता में आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, ये भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन जो है कि अफीम युद्ध में किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो है वो किनके बीच लड़े गए हैं? तो वो है ब्रिटेन और चीन के बीच, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो वो थे राजा जय सिंह। राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना
किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसका जो सही जवाब होगा, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाने के लिए, प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाने के लिए। आगे क्वेश्चन आ गया है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ब्रिटेन में, चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो ब्रिटेन में आरंभ किया गया था। जब अति शीतल वायु की सनहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र आयु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो सकती है, कौन सी घटना घटित हो सकती है? प्रशांत मौसम, हिमपात, तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा व ओला। देखिए कुट में वो आंसर दे रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा तीन और चार। देखिए तूफान और चक्रवाती तूफान आ सकता है और गहन वर्षा और ओला भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? सही कूट में उत्तर दीजिए, तो इसका जो सही जवाब होगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति निर्वाचन करते हैं। आगे जो क्वेश्चन जो आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। वही अनुच्छेद 75 के पूछे तो दो हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 से होता है और 155 से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है और अनुच्छेद 64 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से होता है। आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा अनुसूचित जाति के सदस्य। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है, किस प्रकार के बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो वो हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी जो है बिहार में उग्र के रूप में है। आगे जो क्वेश्चन है, विकासशील देश वह है जिसमें, विकासशील देश वह है जिसमें, इसका जो सही जवाब होगा वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ GNP हो। 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के देखिए सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले सदस्य कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे, वो कांग्रेस के सबसे यंग और सबसे दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेल बैठाएं फासिस्टवाद, प्रजातंत्र, नाजीवाद और समाजवाद। देखिए इससे चार क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा कि फासिस्टवाद जो है वो मुसोलिनी से संबंधित है और प्रजातंत्र जो है वुड्रो विल्सन से संबंधित है और वहीं नाजीवाद देखेंगे तो हिटलर से संबंधित है और समाजवाद जो है वो लेलिन से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसको आपको देख लेना है। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर मिलती है? गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये हो जाएगा कटिहार के निकट कोसी नदी मिलती है। लाल मिट्टी के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह लौह यौगिक में समृद्ध है, यह लौह यौगिक में समृद्ध है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों हो सकता है। कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और राज्यपाल एक सरकार की विधायिका के अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर बराबर कब होता है, कब होता है। ये हो जाएगा पूंजी मूल्य ह्रास, पूंजी मूल्य ह्रास। ग्रेसम का नियम है, ग्रेसम का नियम है, ये हो जाएगा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है। आगे जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अच्छा भी था, विकसित भी था, अत्यंत कमजोर और विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था भी था। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारतीय कृषि में कम उपज का कारण क्या है, कम उपज का कारण क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए प्राकृतिक भी इसमें कारण है, संस्थागत और तकनीकी, ये सभी उपज का कारण है। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।